नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के किसी भी सरकारी भवन में अब नहीं लगेगी आग, नया प्लान तैयार। सहारा इंडिया मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की तय हुई तारीख। बिहार में 3 लाख करोड़ की लागत से बिछ रहा है सड़कों का जाल। फेल शिक्षक भी बच्चों को देंगे शिक्षा। कोरोना के वर्तमान मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की अपील। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 3 लाख करोड़ की लागत से बिछ रहा सड़कों का जाल। बिहार के नीतीश सरकार बिहार में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के काम हो रहे हैं। इनमें 1 लाख करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेसवे और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 1800 किलोमीटर के रिंग रोड प्रस्तावित है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बगल में इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित कराए जाने की भी उम्मीद है। इससे बिहार में उद्योग का जाल बिछेगा और बिहार का विकास तेज गति से होगा। बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है जो अगले 1-2 सालों में कार्य करने लगेगा। इसी कड़ी में छपरा से हाजीपुर 70 किलोमीटर लंबाई में 700 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण दिसंबर में पूरा हो जाएगा। बिहार के किसी भी सरकारी भवन में अब नहीं लगेगी आग, नया प्लान तैयार। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी भवन विश्वेश्वरैया भवन में जब लपटें उठी और कई मंजिलें खाक हुई तो बिहार के सरकारी भवनों के रखरखाव की पोल भी खोलने लगी, जिसमें एक बात सामान्य तौर पर सामने आई है कि सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था बेहद ही उदासीन है, जिस पर ही सरकार ने अब एक्शन लिया है, जिसके तहत अब सभी पुराने सरकारी भवनों में आग से सुरक्षा के लिए नए प्रबंध कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर जितने भी पुराने सरकारी भवन हैं, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। इस काम के लिए बकायदा कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। कंसल्टेंट की जैसी सलाह होगी उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर पुराने भवनों को आग से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरविंद श्रीवास्तव की। अरविंद श्रीवास्तव मधेपुरा बिहार से हिंदी के कवि और लेखक हैं। वो संपादन, रेखांकन और अभिनय प्रसारण जैसे कई विधाओं से जुड़े हुए हैं। मुद्रित पत्रिकाओं के साथ साथ वो वेब पत्रिकाओं में भी सक्रिय रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद उन्होंने मधेपुरा जिला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण विषय पर शोध कार्य किया। हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों भाषाओं में सक्रिय वो स्तंभ लेखन, संपादन और संयोजन और क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। कारखाना का संयोजन उनकी एक विशेष उपलब्धि थी। इस समय वो वेब दैनिक कोसी खबर, अपनी माटी और जनशब्द का संपादन भी करते देखे गए थे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में भद्द पिटवा चुकी बिहार की नीतीश सरकार अब इस मामले में संलिप्त लोगों को चुन चुन कर पकड़ रही है। अब तक प्रशासन ने कई गिरफ्तारियां भी कर ली है। वहीं बीते दिन भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब लीक कांड की जांच कर रही पटना से आई टीम ने कुटुंबा प्रखंड के झखरी गांव से सुधीर कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक पिछले 7-8 महीने से गांव पर ही रह रहा था। इस बार की बीपीएससी परीक्षा में शामिल भी नहीं हुआ था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सुधीर की पेपर लीक में संलिप्तता है और उसके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। वहीं सरकारी दावे के विपरीत झखरी गांव के लोगों को सुधीर की बीपीएससी पेपर लीक में संलिप्तता पर यकीन नहीं है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने वन रक्षक, वनपाल, वन रेंजर के कुल मिलाकर 204 पद पर आवेदन की मांग की है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट ssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की चांदी ही चांदी, घर के साथ साथ मिलेगा 3 महीने का पैसा भी। बिहार की भूमिहीन आबादी के सर पर छत मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली हुई है, जिसके तहत ही राज्य सरकार तो मदद कर ही रही है, साथ ही पीएम आवास योजना के तहत आवास विहीनों को घर का लाभ देने का काम भी हो रहा है। इसी बीच अब बिहार के आवासहीनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर निर्माण के साथ ही सरकार 95 दिनों की मजदूरी का पैसा भी देगी। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं। विभाग ने भी नया नियम बनाया है जिसकी शुरुआत मुंगेर जिले से होने वाली है। ज्ञात हो मजदूरी भुगतान करने के लिए मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को मास्टर रोल आधार और अकाउंट अपडेशन करने का निर्देश दिया गया है। बगैर मास्टर रोल निकाले मजदूरी भुगतान करना संभव नहीं है। ऐसे में समय देखते हुए कार्य में तेजी लाने की जरूरत है। फेल शिक्षक भी बच्चों को देंगे शिक्षा।
बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा और शिक्षक हमेशा से ही सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं। हालांकि सरकारी होने के नाते इस जगह पढ़ाई और पढ़ाने वाले टॉप क्लास के होने का अनुमान होता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इसे आप भी वाकिफ जरूर होंगे। इसी बीच बच्चों को अब फेल शिक्षकों को पढ़ाने की छूट दे दी गई है। बिहार में दक्षता परीक्षा फेल करने वाले शिक्षक फिलहाल बच्चों को ज्ञान देते रहेंगे। हालांकि इस बीच ऐसे शिक्षकों को 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे शिक्षक के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसमें सामान्य विषय के अतिरिक्त उर्दू और शारीरिक शिक्षा विषय संबंधी प्रशिक्षण सामग्री शामिल की गई है। बाढ़ को रोकने के लिए तैयारी शुरू, 15 जून तक पूरा हो जाएगा काम। बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल देखने को मिलती है, इस बार भी बाढ़ को लेकर लोग अलर्ट हैं, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी। यही कारण भी है कि कोसी और बागमती के बाढ़ कटाव से निपटने के लिए तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। 4 स्थलों पर काम पूरा हो चुका है। मालूम हो कि 15 मई तक ही कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन विभाग ने विस्तारीकरण करते हुए तारीख 15 जून तक बढ़ा दी है। बागमती नदी के 3 और कोसी के 1 स्थल पर काम पूरा हो चुका है। बागमती नदी पर बीएन तटबंध के 4.50 और 5 किलोमीटर स्थित मालपा स्थल पर कार्य पूरा हो चुका है। कोरोना के वर्तमान मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की अपील। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, वो अलग बात है कि अब एक बार फिर से एक्टिव मामले कम हो रहे हैं। इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी लोगों से इसी बीच एक खास अपील की है, जिसके तहत देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही के कुछ दिनों में बिहार में भी संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। राजधानी पटना में भी संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान ही ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर दवाइयां और चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक जो कुछ भी अनुभव पिछले 2.5 साल का है उसके आधार पर मुकम्मल तैयारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। अब जबकि मामले बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अलर्ट रहकर काम करने की अपील की है। खगड़िया के सनहौली दुर्गा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया शहर से सटे सनहौली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है। श्रद्धालु इसे शक्तिपीठ समझकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि 200 साल पहले पंचायत के ही एक खेत जोतने के क्रम में मां दुर्गा की मूर्ति मिली थी। मूर्ति को एक ब्राह्मण गोपी ठाकुर ने उठाकर अपने घर के निकट एक कुएं पर स्थापित कर दिया। मां दुर्गा की मूर्ति को कुएं पर स्थापित करने के बाद स्वप्न देखकर गोपी ठाकुर ने पंचायत के गणमान्य लोगों से इस पर बात की और बाद में गांव के लोगों के प्रयास से मूर्ति को कुएं से हटाकर गांव के दक्षिणी छोर पर स्थापित किया गया। भट्टी की तरह तपेंगे बिहार के ये 28 जिले। बिहार में बारिश से मिली हल्की राहत के बाद से एक बार फिर से तेज धूप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ही बिहार के 28 जिलों में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। प्रचंड गर्मी के कारण पटना से लेकर राज्य के 28 जिलों में आसमान में आग बरसने जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधान भी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग के 1-2 स्थानों और उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री बक्सर और औरंगाबाद में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो हवा के प्रभाव से मौसम का मिजाज गर्म है। बड़ी राहत, पटना के गंगा पाथवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। राजधानी में बहुप्रतीक्षित गंगा पाथवे का निर्माण पीएमसीएच तक पूरा हो गया है। 4 जून को इस गंगा पाथवे का उद्घाटन होने की उम्मीद है। इसके बाद इस पथ पर वाहन चलने लगेंगे। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा फिलहाल पीएमसीएच वाले फ्लैंक की सड़क का कालीकरण कराया जा रहा है। ये काम पूरा होने के बाद दीघा से पीएमसीएच तक वाहनों का आवागमन चालू करा दिया जाएगा। अहम बात यह है कि गंगा पाथवे पर अब किसी भी प्रकार के वाहन को टोल टैक्स नहीं लगेगा। दीदारगंज तक परिचालन शुरू होने के बाद टोल टैक्स वसूला जाएगा। दीदारगंज तक सड़क निर्माण पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। सबसे खास बात यह है कि इस गंगा पाथवे पर वाहनों का परिचालन शुरू होने से दानापुर गांधी मैदान मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव भी कम हो जाएगा। इससे इस रूट पर जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। लोग दीघा से पीएमसीएच तक बिना जाम झेले सफर कर सकेंगे। नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थियों का धरना बीते दिन भी जारी रहा। इस दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनीता विनी और सिद्धार्थ कश्यप ने कहा कि 7वें चरण की मांग के साथ सेंट्रलाइज्ड और डोमिसाइल तरीके से बहाली की जाए। इसके अलावा मार्च 2022 तक की रिक्ति जोड़कर बहाली शुरू की जाए। धरना स्थल पर पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप सौरभ भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अभ्यर्थियों की मांगे नहीं मानेगी तो सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे। इस मौके पर प्रदेश सचिव नितेश पांडे, अभिनंदन अनीश, गुंजन आदि भी मौजूद।
बिजली बिल गड़बड़ी मामले में बिहार का ये जिला टॉप पर। बिहार में बिजली बिल गड़बड़ी की शिकायत लगातार मिलती है, जिसमें ही अब जिलावार डेटा सामने आया है। बिजली कंपनी ने लगातार बिजली बिल की शिकायत पर जेईई कार्यालय स्तर से महीने के दूसरे सप्ताह में बिजली बिल सुधार कैंप की शुरुआत की है। इसमें मामले उजागर हुए हैं। बिजली बिल गड़बड़ी मामले में नालंदा टॉप पर है, वहीं पटना तीसरे पायदान पर है। बिल में गड़बड़ी संबंधित शिकायतों में अधिकांश गलत रीडिंग, एकमुश्त रीडिंग, खराब मीटर, मीटर लगने के बाद उसका नंबर नहीं चढ़ना, मीटर नहीं बदला जाना जैसी शिकायतें आई। इसमें नालंदा सर्किल में सबसे अधिक 301 शिकायतें आई हैं। दूसरे स्थान पर आरा सर्किल रहा, जहां 275 शिकायतें आई। पटना शिकायतों के मामले में तीसरे स्थान पर रहा, यहां 213 शिकायतें आई हैं। नालंदा सर्किल में 120 शिकायतों का निपटारा ऑन स्पॉट कर लिया गया। सहारा इंडिया मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की तय हुई तारीख। लाखों लोगों का सहारा बन बेसहारा करने वाली सहारा इंडिया, पैसे आखिर कब देगी, सभी के मन में ये सवाल गूंज रहा है। इसी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। अब इस मामले में सहारा इंडिया की सुनवाई को लेकर पटना हाईकोर्ट में विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं की तरफ से जमा किए गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई 2000 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर अब 22 जून को सुनवाई होगी। ये याचिका जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ में सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। किंग महेंद्र की जगह लेने अब इन्हें राज्यसभा भेजेगी जदयू। जदयू की तरफ से राज्यसभा के सदस्य रहे किंग महेंद्र के गुजर जाने के बाद से खाली हुई सीट पर जदयू ने अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत ही जदयू ने अब उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसके तहत ही जदयू ने अनिल हेगड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से सोमवार को इसकी घोषणा कर दी गई। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि अनिल हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी भी रहे हैं। वहीं वर्तमान समय में पार्टी में अभी वो राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी है। ज्ञात हो इस सीट पर जदयू से ही किसी उम्मीदवार को बाकी बचे कार्यकाल के लिए राज्यसभा का सदस्य बनना है, और अब पार्टी ने संगठन में लंबे अरसे से काम करने वाले अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश भर में बुद्ध को याद कर बड़े से बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया। वहीं इसी मौके पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पटना जंक्शन स्थित बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी, जदयू नेता छोटू सिंह और अन्य भी मौजूद रहे। यहीं पर उन्होंने बोधगया से लाकर लगाए गए बोधि वृक्ष को पानी दिया, साथ ही बुद्ध स्मृति में करुणा स्थल जाकर बुद्ध की अस्थियों का दर्शन किया। इसके बाद वो उपासना स्थल भी पहुंचे, जहां उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, सभी को उनकी तरफ से दिए गए प्रेरणा का पालन करना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार से आंख मिलाने वाले बच्चे को बॉलीवुड से मिला समर्थन। बिहार में बीते दिनों 11 साल के सोनू ने सीएम नीतीश के आंख में आंख डालकर अपने लिए गुहार लगाई, जिसके बाद क्या था, सोनू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद अब सोनू को बॉलीवुड का साथ मिलने लगा है। जिसके तहत ही बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान ने सोशल मीडिया पर सोनू की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सोनू के पास अपना एक विजन है, वो होनहार है, ऐसे बच्चे हमारा भविष्य है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए गौहर खान ने सोनू का डिटेल भी मंगवाया है। इसके साथ ही कई सामाजिक संगठन और शिक्षण संस्थान ने भी सोनू की मदद की घोषणा की है। उन्होंने सोनू बेहतर प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने का भरोसा किया है। मांझी ने मांगी अपनी हिस्सेदारी। बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज है। आगामी चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही अब प्रत्याशियों के नाम की चर्चा भी होने लगी है। अब इसी बीच एनडीए में शामिल हम प्रमुख ने अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि राज्यसभा हो या फिर बिहार के विधान परिषद, इसमें एक सीट हम पार्टी को मिलना ही चाहिए। वहीं उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी शरद यादव को भी राज्यसभा भेजने के लिए वकालत की है। उन्होंने कहा कि शरद यादव एक राजनीति में एक धरोहर है, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा का उपचुनाव 30 मई को होगा। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 4 दिन बीत जाने पर भी अब तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। अनिल हेगड़े के निर्वाचन होने पर उनका कार्यकाल 12 अप्रैल 2024 तक रहेगा। जातीय जनगणना और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने दिए संकेत। बिहार में कितनी जातियां वर्तमान समय में रह रही हैं और कौन सी जाति कितनी संख्या में मौजूद है, इसका आकलन करने के लिए ही बिहार में जातीय जनगणना की मांग हो रही है। हालांकि भाजपा ने तो इससे इनकार कर दिया है, लेकिन इस मामले में बिहार की राजद और जदयू की राय एक है। इस बीच अब इस मामले को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का खुद ही बयान सामने आया है, जिसके तहत ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बीते दिन कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर जल्द ही वो सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। बैठक में सबकी राय लेकर एक आम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बिहार में जातीय जनगणना शुरू होगी। मीसा भारती की टिकट हुई तय तो दूसरी सीट पर इन नामों की चर्चा तेज। हाल ही में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर ही चुनाव 10 जून को होने वाले हैं। इस चुनाव पर सभी की नजर है। वहीं बिहार की खाली हो रही 5 सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
जिसमें खास चर्चा आरसीपी सिंह और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती की सीट की हो रही है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का फिर से राज्यसभा जाना करीब करीब तय है। लालू परिवार से सांसद के तौर पर मीसा भारती अकेली है। बड़ी बेटी होने के लिहाज से मीसा का अपने परिवार में पकड़ भी है, लिहाजा उन्हें फिर से राज्यसभा जाने में कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। वहीं दूसरा नाम बिहार के ही एक शख्स का है जो वर्तमान में मुंबई से जुड़े हैं और वो नाम है बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड से रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए 1769 में बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। सुनील गावस्कर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास आज ही के दिन लिया। भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर 2007 में रावलपिंडी में शुरू हुआ। बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह रहे और वो 2008 में नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते देखे गए थे। भारतीय बॉक्सरों ने 2010 में कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। देश के मशहूर गजल गायक पंकज उदास का जन्म 1951 में हुआ। हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म 1953 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति और होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्ण नायर का निधन 2014 में आज के दिन हुआ था। देशभक्ति में सराबोर फिल्म लेकर आ रहे हैं रवि किशन और पवन सिंह। गोरखपुर के सांसद सह मेगा स्टार रवि किशन और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की सिल्वर स्क्रीन पर लंबे समय बाद फिल्म मेरा भारत महान से एंट्री हो रही है, जिसको लेकर बॉक्स ऑफिस पर अभी से ही हलचल तेज हो गई है। पवन सिंह सत्या भोजपुरी या राजा क्रेक फाइटर वॉन्टेड जैसी एक्शन पैक्ड फिल्म के बाद फिर से खतरनाक एक्शन में इस फिल्म में नजर आएंगे। इसकी एक झलक फिल्म के ट्रेलर में देखी जा सकती है जो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। ये फिल्म देश के मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित देशभक्ति के जज्बे को और आगे बढ़ाने वाली फिल्म है। इस फिल्म में महानायक रवि किशन एक अलग अंदाज में नजर आएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से नहीं कटेगा चालान। अगर आप एप्पल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी का मौका है, क्योंकि एप्पल की तरफ से आईफोन यूजर को एक सुविधा दी जा रही है जिससे यूजर मोबाइल फोन की मदद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकेंगे। यूजर को ऑफलाइन मोड में ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की जरूरत अब नहीं होगी। बता दें कि एप्पल वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा एप्पल आईफोन और एप्पल वॉलेट पर उपलब्ध रहेगी। दिल्ली ने पंजाब को दी मात। IPL 15 का 64वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पंजाब को 17 रनों से मात दी है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन जितेश शर्मा ने बनाए। उन्होंने 34 गेंद में 44 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। पंजाब के खिलाफ जीत के साथ ही दिल्ली के 14 अंक हो गए हैं। दिल्ली का नेट रन रेट भी बेहतर है। ऐसे में अगर वो आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है तो उसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। वहीं अगर बेंगलुरु भी गुजरात के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती है तो उनके भी 16 अंक हो जाएंगे। ऐसे में इन दोनों टीमों में जिस टीम का बेहतर रन रेट होगा वही टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है बबीता यादव, गौतम कुमार, कमला अग्रवाल, सूर्या रॉय, गोनार शर्मा, राजीव रंजन, अमन कुमार, सतीश कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, अभिषेक कुमार, कन्हैया सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में बिहार सरकार सफल हो पाई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।